हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और सबसे पहले जो मैं आपको बाहर का ही व्यू दिखाती हूँ कि बाहर कितना अच्छा मौसम बना हुआ है। पहाड़ों के ऊपर जो है धूप छिटक आई है और पहाड़ जो है बिल्कुल चांदी की तरह चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन जो पहले बारिश हुई थी उसके कारण जो है पहाड़ों पर फिर से बर्फ़ वगैरह पड़ गई थी। और आप खुद देख सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। और सुबह सुबह की धूप जब इस बर्फ़ के ऊपर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे मानो चांदी की चादर ही बिछा दी हो। बहुत ही सुंदर जो है व्यू यहाँ पर बना हुआ है। और आजकल जो है काफ़ी अच्छी धूप जो है लग रही है, जिसके कारण मौसम फिर से जो है अच्छा हो गया है, ठंड थोड़ा कम हो गई। और फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं किचन में और बनाने जा रही हूँ चिल्डू। तो ये है चावल का आटा, जिसका मैंने बैटर बना लिया है, गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। तो इसके लिए पहले हम चावल के आटे को गूंदते हैं और उसके बाद जो है उसका थिक सा जो है बैटर बनाते हैं। और अब जो है मैंने तवा चढ़ा दिया है, तो सबसे पहले हम इसमें जो है सरसों का तेल लगाएंगे। तो ये जो है सरसों का तेल है और ये जो है जूड़ी है, हमारे यहाँ सेल होते हैं, उससे मैंने खुद बनाई है। और ये है खट्टे के पत्ते, जो कि बैटर को फैलाने के काम में लाऊंगी। तो इस तरह जो है तवे के ऊपर तेल लगा लूँगी और उसके बाद जो है जब तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो बैटर को इसके ऊपर फैला दूंगी। तो अब तवा थोड़ा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ये जो चावल के आटे का घोल मैंने बनाया है, बैटर बनाया है, उसको मैं इसमें जो है तवे में डाल दूंगी। और फिर जो है जो खट्टे के पत्ते हैं उसकी सहायता से जो है मैं इसको फैला लूंगी इस तरह से। और अब जो है इसे मीडियम फ्लेम में पकाऊंगी और जब पक जाए तो इसकी किनारी किनारी से जो है इस तरह से चिलड़ू को जो है तवे से निकाल लूँगी। जैसे जैसे चिलड़ू पकता जाता है तवे को खुद के खुद छोड़ता जाता है। तो ये है हमारी हिमाचली का खास पकवान, जो कि हम त्यौहारों के अवसर पर अवश्य बनाते हैं, और स्पेशली जो है चिलड़ू हम दिवाली को बनाते हैं। या तो हम इस चिलड़ू को उड़द की दाल और सोयाबीन की दाल, जिसको हम भट बोलते हैं अपने यहाँ लोकल, तो भट की दाल के साथ घी डाल के खाते हैं। और दूसरा जो है हम दूध के साथ उसमें गुड़ डाल के खाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और आपके यहाँ जो है यदि इस तरह से चिलड़ू बनाए जाते हैं तो आप अपनी लोकल भाषा में उनको क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ना मैं एक बात आपको और बताऊं कि चिलड़ू बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और खाने में जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए जो है मैं 2 तवों के ऊपर जो है चिलड़ू बना रही हूँ, ताकि जो है जल्दी जल्दी जो है मेरे चिलड़ू बन जाएं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 तवे जो है गैस के ऊपर रख रखे हैं, तो समय की बचत करने के लिए जो है मैंने ऐसा कर रखा है। और बच्चों को लग गई है भूख, पहुँच गए हैं किचन। बड़ा नहीं लग रही, नहीं बढ़ना दिख रहे हैं ना बच्चा, क्या करूँ, फास्ट करो, फास्ट फास्ट नहीं कर सकते ना, तो स्लो ही इसमें पकाने पड़ते हैं, ये नहीं तो जल नहीं जाएंगे और कड़वे हो जाने। और फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद अब हम पहुंच गए हैं बाहर। और बाहर जो है हमारी क्यारियों में बहुत सारा खड़ जो है खर पतवार जो कि है, जिसको हम उजड़ू वगैरह बोलते हैं अपनी लोकल में, तो उजड़ू जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मेरे श्रीमान जी थे फ्री और फूल लग गए हैं उसको काटने के लिए कि मैं साफ़ सफाई कर देता हूँ खेत की, काफ़ी ज़्यादा जो है उजड़ू यहाँ पे हो गया है। तो आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो लोकल इसको उजड़ू बोलते हैं खरपतवार को, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे भी जिस दिन हम लोग घर में होते हैं ना, उस दिन हमारे को बहुत सारे काम होते हैं, तो हम बस उन्हीं कामों को निपटाने में लग गए हैं कि थोड़ा सा फ्री समय था आज हमारे पास, तो इन्होंने कहा चलो इस काम को ही कर लेते हैं। और बच्चे जो है एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लगे हुए हैं एग्ज़ाम्स। और जब तक मेरे श्रीमान जी काट रहे हैं ये उजड़ू, तब तक मेरे फुटमैट काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज इनकी ही साफ़ सफाई कर ली जाए, थोड़ा धूप भी लगी हुई है अच्छी तो सूख जाएंगे। तो मैं लग गई हूँ अपने फुटमैट धोने के लिए, तो आसानी से जो है हम अपने फुटमैट को 15-20 दिन के बाद आसानी से धो सकते हैं। इस तरह जो है फुटमैट को नीचे जो है फ़र्श के ऊपर बिछा दिया और उसमें पानी डाल के अब जो है मैंने इसमें थोड़ा सा निरमा जो है ऊपर से डाल दिया है। और अब जो है इसे मैं कुछ देर हाथों से ऐसे रगड़ लूँगी ताकि निरमा पूरे फुटमैट में अच्छी तरह से नीचे तक रच जाए। और अब जो है मैं ब्रश की हेल्प से इसे अच्छी तरह से रगड़ लूँगी ताकि जितनी भी गंदगी इस फुटमैट के अंदर बैठी हुई है पूरी अच्छी तरह से निकल जाए, जितनी ज़्यादा झाग जो है इसमें बनेगी
उतनी ही आसानी से जो है इसकी डस्ट जो है पूरी निकल जाएगी। और फिर जो है इस तरह पानी डालकर जो है ब्रश की हेल्प से ही सारी गंदगी को, सारी डस्ट को जो है हम बाहर निकालेंगे। तो आप देखेंगे कितना सारा जो है डस्ट जो है, कितनी मिट्टी जो है इससे फुटमैट से यहाँ पर निकल रही है। तो बस इस तरह जो है फुटमैट को हम आसानी से घर पर धो सकते हैं, और आसानी से 15-20 दिन के बाद तो हमें हार्डली धो ही लेना चाहिए ताकि हमारा फुटमैट जो है अच्छा लगे, साफ़ लगे, नहीं तो बहुत गंदा सा लगता है ना। और जब तक मैं धो रही थी फुटमैट, मेरी श्रीमान जी भी पूरे खेत की कर बैठे हैं सफाई। जो पूरे खेत में उजड़ू जमा हुआ था ना, उसको सारे को जो है इन्होंने साफ कर दिया है। देख सकते हैं आप कैसे जो है डटे हुए थे इतनी देर। अब हम पहुंच गए हैं छत के ऊपर, जहां पर कई दिनों से जो है रेता बजरी पड़ा हुआ था ऐसे ही, जो कि हमने छज्जे के टाइम में लाया हुआ था ऊपर और बच गया था। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसको हम जो है उठाकर नीचे उतार दें, यहाँ पर रखा रखा ठीक नहीं लगता था, तो बस उसी में लगे हैं। और ऐसा भी है ना, हम हिमाचली लोग काम करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते, अपना काम हम खुद ही करते हैं, चाहे हम फिर गांव में रहें या फिर बाहर आके क्वार्टर में रहें। कोई भी काम हो हम खुद ही करते हैं, दूसरों के ऊपर नहीं निर्भर करके रखा होता कि कोई आएगा वो करेगा। तो इस तरह जो है हम पहले बोरियाँ भर भर कर यहाँ पर रख रहे हैं, उसके बाद जो है हम इनको नीचे ले जाएंगे। यह बोरियाँ इतनी भारी थी कि जैसे ही हमने उठा कर रखी तो बोरी जो है नीचे से ही फट गई, तो दुगना काम हमको फिर से पड़ गया। और इस तरह जो है दूसरी बोरी अब हमने भर ली है, और अब जो है इसको यहाँ ना रख के नीचे ही फेंकने का जो है मन बना लिया। और श्रीमान जी ले जा रहे हैं बोरी को उठाकर नीचे फेंकने के लिए, जहाँ पर हमने रेते बजरी का ढेर लगा रखा है वहाँ पर। फ्रेंड्स, जब तक मेरे श्रीमान जी इसको फेंक कर आते हैं, मैं बैठ गई हूँ बजरी के ढेर के ऊपर। फ्रेंड्स, ये जो रेता बजरी है ना, अगर बड़े दिन तक स्लैब में ऐसे पड़ा रहेगा तो नीचे जो है पानी जाने की आशंका रहती है, तो इसलिए आज हम लग गए हैं इसी रेते बजरी को नीचे उतारने के लिए। है तो बहुत जोर वाला काम, पर क्या करें, करना पड़ेगा आप थोड़ा। तो श्रीमान जी को लगाया हुआ है मैंने काम तो, यहाँ चिड़िया भी है थोड़ी सी, थक गई थी तो सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर ले तब तक कि श्रीमान जी नहीं आते। और मैंने सोचा कि चलो जब तक श्रीमान जी नहीं आते, मैं इस रेते बजरी को जो है जो चारों तरफ फैला हुआ है उसी को जो है इकट्ठा कर लूँ, और बेलचे की हेल्प से जो है मैं कर रही हूँ इसको इकट्ठा। मुझे वैसे चलाने तो आता नहीं है, फिर भी मैंने कर लिया है अब इकट्ठा सारा रेता बजरी जो फैला हुआ था। और तब तक श्रीमान जी भी आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो ये जो है बजरी भी मैं ही भर देती हूँ बोरी में, आप भी थक गए होंगे। और मुझे जो है इतने अच्छे तरह से जो है रेता बजरी भरने नहीं आ रहा है, तो देखो मेरे श्रीमान जी कैसे जो है मुझे डांट रहे हैं। कोई प्रोफेशनली तो फाइनली मैंने बोरी भर दी है, और अब जो है श्रीमान जी इसको कहाँ से होते हुए ले जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। तो आपने देखा कैसी खड़ी पौड़ियों से उतरते हुए जो है कहाँ से आते हुए यहाँ पर ये पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। यदि आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय
नमस्ते।